आई डोंट थिंक इट्स वेल स्पाइस खाओ बहुत रेस्ट है कुछ पी लो फिर ना बड़े ऐसे रुक गए तो These are the spiciest noodles in the world. So what I'm gonna do is, I'm gonna have a challenge. Okay guys, so she's here and okay. I haven't told her about the challenge yet, but it's gonna be like a live thing, okay? So, okay, Jannat, next week, it's the spiciest noodles in the whole world and it's a challenge to you. I don't think it's that spicy. I've had it. हे गाइस, तो आज मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया था तो आपको मैंने दिखाया था कि मैंने वर्ल्ड के सबसे स्पाइसीएस्ट नूडल्स उठाए थे एंड आई वाज गोना हैव अ चैलेंज विद माय सिस्टर जन्नत. तो इसके साथ चैलेंज है और अब मैंने सोचा कि अकेले हम दोनों तो वैसे ही काफी चैलेंजेस करते रहते हैं जो बिना वीडियो के होते हैं. तो मैं अपने फ्रेंड अमार को पिक कर रहा हूँ जिसको आपने देखा था मेरे बीच वाले व्लॉग में. He's gonna be in the challenge. तो अब challenge के साथ there's a catch. The catch is it's like a punishment challenge. तो हम सब खाने वाले हैं noodles एक साथ and we're gonna wait. We're not gonna touch ice cream. We're not gonna touch milk. We're not gonna touch water or sugar. कुछ भी नहीं. So the person who reaches out first, जो पहले कहता है कि भाई हो बस हो गया कुछ दो मेरे को चाहिए कुछ, उसको punishment मिलने वाली है. Punishment मैं अभी नहीं बताऊंगा, अमार के सामने बताऊंगा. मुझे पता है punishment क्या है, जन्नत को भी idea है punishment का, पर अमार को नहीं है. तो उसको भी हम पिक करने जा रहे हैं, रास्ते में ही है एंड इट्स गोना बी फन. अभी रात के बजे हैं 12:15 एंड अभी हम उसको पिक करने जा रहे हैं. चैलेंज भी अभी ही करने वाले हैं हम. मॉम डैड घर पे नहीं है तो अगर कोई चीखता चिल्लाता है तो उसका किसी को पता नहीं चलेगा. मैं अमार की बात कर रहा हूँ. सो आई विल सी यू गाइस देन, बाय. ओके गाइस, तो मैंने अमार को उठा लिया है एंड गाड़ी में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. हम एक जगह गए थे ग्रोसरी स्टोर में, वहाँ पे ये खत्म हो, वहाँ पे थे ही नहीं एक्चुअली. तो हम दूसरे ग्रोसरी स्टोर आए हैं. अभी रात के 1:30 हो रहे हैं. ये देखिए, दिस इज द वर्ल्ड्स स्पाइसीएस्ट नूडल्स एवर एंड अमार आज हमारे साथ खाने वाला है. पनिशमेंट डिसाइड हो गई है. जन्नत ने और अमार पनिशमेंट डिसाइड कर चुके हैं एंड इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिली तो मेरी पनिशमेंट के साथ जा रहे हैं. आई एम गोना टॉक टू यू इन द कार. बाय बाय गाइस, जल्दी से बाय का बाय. ओके गाइस, सो हम गाड़ी में हैं एंड हमें 3 पैकेट्स मिल गए हैं इन टोटल. अमार इज विद अस. द टाइम इज 1:30 एंड अभी हम घर जा रहे हैं. पनिशमेंट डिसाइड हो गई है सो वी गोना मेक इट. अमार नोज द परफेक्ट वे टू मेक इट. मैंने पिछली बार गलत बनाए थे तो इस बार बना के हम द पनिशमेंट इज गोना बी फॉर द पर्सन हु ट्राइज टू हैव मिल्क और वाटर और समथिंग बिफोर द अदर टू डू. सो पनिशमेंट टाइम लिमिट 20 मिनट की टाइम है. 20 मिनट्स नहीं, बहुत ज्यादा है भाई. तब ठीक हो जाएगा. 20 मिनट के अंदर सबसे पहले पानी पीता या दूध पीता या कुछ भी मांगता है, आइसक्रीम या कुछ, ही लूजेस एंड क्या मतलब ही शी लूजेस. और उसको पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट ये है, इट्स गोना बी वेट. नहीं, इट्स गोना बी वेट डॉग फूड. जो मेरे शागी है उसको भी डॉग का है. ड्राई वेट डॉग फूड ड्राई दैट माय डॉग्स ईट एंड नो नॉट ड्राई ड्राई वेट डॉग फूड. एक बाइट लेनी है एंड च्यू करना है. इट्स गोना बी लाइक माउथ फुल ऑफ डॉग फूड. नहीं, अंदर ले जाना है. अबे सिर्फ सीधा स्वॉलो नहीं करना, च्यू करके आराम आराम से मजे लेके इसका फ्लेवर टेस्ट करके इसका अंदर ले जाना है. सो हूएवर लूजेस हैज द डॉग फूड. वी आर गोइंग होम नाउ एंड वी आर गोना कुक इट व्हेन वी आर होम. मॉम और डैड घर पे अभी शायद आए नहीं है. सो आई एम गोना सी यू व्हेन आई एम होम. बाय. ओके गाइस, हम घर आ गए. जन्नत मेरे पीछे बैठी है, पता नहीं किस लिए बोल रहा था मैं ये. और अमार यहाँ पर बैठा है शागी स्कूबी के साथ. वी गॉट 3 पैकेट्स. मैंने पहले ये खाए बने बट मैंने इनको गलत बनाया था. आई बॉयल देम एंड मेड देम लाइक मैगी. वैसे आपको नहीं बनाना होता. अमार नोज द राइट वे. सो अमार हमारे लिए बनाने वाला है आज, शेफ अमार. एंड लेट्स गेट द चैलेंज स्टार्टेड. ओके गाइस, सो अमार हमें सिखाने वाला है यहाँ नूडल्स कैसे बनाने हैं. मम्मा यहाँ पे है, मम्मा की चाय बन रही है. ये किस लिए बोल रहा हूँ मैं. और जन्नत हमेशा की तरह कुछ नहीं कर रही. आज स्कूबी बनाने वाले हमारे साथ हमारे लिए नूडल्स. आइए स्कूबी बनाइए. स्कूबी बनाओ, चलो. कह रहे मुझे नहीं आता. अच्छा ये हमारी बात बता. इसके अंदर मैंने जो पढ़ा था
8800 units हैं इसके में स्कोविल हीट यूनिट्स जो होते हैं बाकी हाँ ये मुझे कह रहा है ये दो खाता है ऐसे दिन के और ये काफी बार खा चुका है तो इसके लिए हम थोड़ा और चैलेंज मुश्किल करने वाले हैं इसके अंदर एक चम्मच जाएगी लाल मिर्ची इक्वल गेम यू नो एक चम्मच लाल मिर्ची और जाएगी जाएगी ऐसे कैसे नहीं जाएगी देखो पता नहीं चलेगा मैं डाल दूंगा मैं बना रहा हूं चलो ठीक है तो हमारा अभी बना रहे हैं इसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे कैसे बनता है हमारा प्रोफेशनल है एंड इसने मेरे को बताया कि कैसे बनाने वाले हैं उसका सारा पानी हम निकाल देंगे एंड उसके बाद हम उसके अंदर सारे स्पाइसेस डालेंगे और उसको फिर थोड़ी देर स्टर करेंगे परफेक्ट तो अभी आप ये करने वाले हैं ठीक है तो अभी हम सोच रहे थे कि एक एक करके करेंगे पर अमार ने बोला है कि सबकी हीट सेम रखनी है सो वी गोना पुट इट ऑल इन टुगेदर पानी कितना डालना है पानी इसमें डालेंगे कि वो डूब जाए अच्छा उसको पहले वो उसको करना है ना हाफ करना बहुत लंबा हो जाएगा जैसे देखो अच्छा लगे ये हमारा शेफ है प्रोफेशनल छुपा के ऊपर खुल गया इसको दिखाना है भाई स्पाइसेस जो अंदर क्या क्या है इसके अंदर एक तो वो है अरे ये इतना स्पाइसी है तो सिर्फ आई थिंक वो ये गार्निश है बेसिकली ओके और वो सेसमी सीड्स तो दिस इज द मेन थिंग जो जो मारेगा हमें यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू टाइम्स स्पाइसी ओ यस बस ओके अभी ऐसे तीन हो रहा है मैं खोलूं खोलो खोल दिया ये इतना करेंगे कि डबो जाए जैसे मैटर कितने पैसे पानी बस इतना हो कि बॉइल जब हो ना तो फिर पानी सारा ड्रेन करना है हमारे यहाँ पे हाथ मारने पर अपने यहाँ पे ऐसे करने पर और हाउ मेनी सेकंड्स डिपेंडेंस की कब होगा चलो इसको बने देते हैं और अब तक हुक्का बनाते हैं हुक्का यस 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 स्टिल इन द मेकिंग गाइस इट्स डन नाउ वी गोना ड्रेन इट एंड उधर हमारे प्रोफेशनल शेफ हैं यहां पे करना है उसे पकड़ इतना पलट मत देना पूरा चैलेंज खत्म है वो रखना ताकि वो गिरे ना ओ एक काम करता हूं रुक जा सेकंड रुक और करेंगे इसको एक सेकंड एक सेकंड क्या होता है भाई पीने के 30 मिनट्स बाद तक हम कुछ नहीं ले सकते खाने के 30 मिनट बाद पीने पहले खाने के खाने के 30 मिनट्स बाद तक हम कुछ नहीं ले सकते हमारे सामने एक ग्लास मिल्क का होगा एक कप हम दही का रखने वाले हैं इसके अंदर इज गोना बी शुगर एंड देयर इज गोना बी अ कप ऑफ वाटर तो जो पहले उनके लिए उनको टच करता है या पीने के लिए जीरो सिप लेता है ही लूजेस एंड ही इज गोना हैव डॉग फूड वेट डॉग फूड तो ध्यान से इसको तो ना कोई यूज करना है ना ड्रॉप अंदर डालना है ठीक
गाइस अमार सर्व कर रहा है राइट हियर ओह थैंक यू अमार ऑफ कोर्स ओके गाइस सो द नूडल्स आर रेडी वी आर गोना टॉप इट ऑफ विद सम कॉन्क्रीट या सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ सेसमे सीड्स एंड सम सीवीड सम वीड सीवीड एंड सो हर एक देख एक गलता है सो अमार इस पे डालेगा अमार डालना प्लीज ओके उसको मिक्स करना है राइट हमारे ऑप्शंस जो हैं दे आर It's gonna be watermelon. There's gonna be some dahi yogurt with sugar, and there's a cup full of milk. Guys, so sabka noodles ready hain. Ye janat ke hain. And ye hame dekh rahe hain, ko lag raha hai ye bhi khane wale hain kuch. Aur ye khana kha chuke hain. Aur hum inka khana khane wale hain agar hum haarte hain. Hai. Ye dekhiye, ek spoon iska milega hame agar hum haare to. Samne ye sab bhi pada hai. That's milk, water, yogurt with some sugar and watermelon. एंड जो भी इन सब में से किसी भी एक चीज़ को खा लेगा टच कर लेगा उठा लेगा सिर्फ उठाना भी ये नहीं जरूरी नहीं सिर्फ लेना है अगर आप पहुंच गए इसके लिए आप खाओगे डॉग फूड और गाइस एक और चीज़ है अगर किसी ने बीच में छोड़ दिया है थक गया आया यू नो और मन नहीं है वो डॉग फूड खाएगा ये ज़्यादा हो गया चुप रहो उनको ज़्यादा नहीं होता मैं रिलेटिव चीज़ वैसे नहीं खाता वो चिकन है उसमें शुड वी बिगिन गो गो जल्दी खाओ भाई आओ और जो लास्ट का मरेगा वो डॉग फूड खाएगा ये सब चुप करो बस करो यार अच्छा किया से नहीं ओ भाई ओ नहीं नहीं खाओ भाई मैं अंडे खा रहा हूं मुझे लग रहा है मैं ही हारूंगा खत्म कर दो कमाल मेरे से थोड़ा सा ले लो नहीं रस पैसे हैं राइट हम्म दाल में डाल दो जरा मैं बहुत वाटरमेलन की क्रेविंग हो रही है तुम करने भाई इस सामने जो पड़ा है ना मैंने हाँ क्यों किया आराम से खाए तुम नॉर्मल खाना हो क्यों कर आराम को क्यों ही कर रहा भाई क्यों आवाज आ रही तुझे सॉलो कर रहा है। तुझे सॉलो करना पसंद है। एक बनाए लेकिन थोड़ा साले। हालत खराब हो गई कल उन्होंने खत्म भी कर दिया एक आंसू नहीं निकला इसका सामने जो पड़ा है ना दूध और इसको देख के मन कर रहा है उठा लो भाई हमारे लेना मैं रीच करूंगा मैं आ जाऊंगा शायद कुछ तो खाना स्मेल कर आओ ये
मोटिवेशन चाहिए जन्नत को ये ना जाए जल्दी करो भाई सजूद का मन कर खाओ बहुत रेस्ट है कुछ पी लो फिर इतना बड़े कैसे रुक गए तो उसके ऊपर कुछ खा सकती हो एक बार चबा के खानी है पर उसके पर... हाँ हाँ कुछ भी पहले आप ये भी सकते हो भी नहीं खाना मिर्ची नहीं जा रही डॉग फूड सूंघती है कहती है बस अब नहीं खाऊंगी मैं और तो डॉग को पसंद आ गए खत्म चैलेंज गाइस जनत हार गई है जनत इसलिए नहीं हारी क्योंकि उसने कुछ पी लिया और इसलिए हारी है क्योंकि उसने बीच में छोड़ दिया फोर फीट कर दिया तो अब जनत का खाना तैयार है एक बाइट ओके गाइस तो यार मेरे होंठ देख ही सकते हैं चल गए हैं पूरे मेरे से बात नहीं करी जा रही है हालत खराब है एंड जन्नत हार गई सो जन्नत हैड मिल्क एंड शी फोर फीट तो उसने छोड़ दिया था पेट तो हमारा और मैंने शेयर किया मैंने ज़्यादा खाया तो जन्नत इसकी बाइट लेने वाली है बहुत बड़ी नॉर्मल एक टेबल स्पून नॉर्मल एक टेबल स्पून से बड़ा और उसको च्यू करके खाई पूरा चम्मच भर के कौन अभी जन्नत दूध पी गई है जन्नत दही पूरी खा गई चीनी वाली जो मैंने पहले भी रखी थी थोड़ी सी मेरा मन था वो बोल रहा है भाई तुम कह रहे हो अपना भी खा रहे हो मेरा भी खा रहे हो चलो ओके गाइस सो जन्नत का एक चम्मच रेडी है इसमें एक चिकन का पीस भी है अंदर देखिए शागी रुक जा भाई दे रहा हूँ तेरे को भी मैं तेरा ही खाना है भाई एक बाइट दे रहा हूँ सिर्फ उसको आओ जन्नत जल्दी चू करना वरना एक बाइट और होगी नीचे बैठो सामने आओ हमारे मिल तो करो पहले असली भाई असली चैलेंज नहीं नाक बंद करके खाओ और पानी पी लो नहीं चू करना है चू नहीं करना क्या मतलब अबे क्या यार बेचारी को तू कर रहा है अच्छा शागी इसको भी को अच्छा लगता है तो मेरे को अच्छा लगना चाहिए जल्दी करो भाई एक मिनट यार थोड़ा प्रिपेयर होने दो चू करना है नहीं शागी शैगी रुक जा भाई जल्दी करो थ्री हंड्रेड एंड 46 मिनट्स लेटर जन्नत नहीं खा भाई ऑब्वियसली यार जान जान खाए यार ट्राई किया पर नहीं हुआ अब मुझे उसका टेस्ट आएगा ओके गाइस वी आर मच बेटर नाउ एंड अमार ने तो ऐसे खा दिया जैसे मैगी हो तो हम जन्नत ने जो डॉग फूड खाया पूरा नहीं खा पाई सी प्यूब्ड इट ऑल आउट तो हमें बुरा लग रहा था आई डिड नॉट वीडियो है मेरे पास डालो तो हम दोनों को बुरा लग रहा था तो हमने सोचा अमार ने सोचा कि हम दोनों भी एक एक छोटी छोटी बाइट ले लेते हैं जन्नत को अकेला ना फील कराने के लिए तो नया पैकेट खोला है एंड लेट्स गो फॉर इट अबे उतना ज्यादा नहीं पागल है तू मैंने
कोशिश करके अंदर ले जाना नहीं छोटा नहीं तो कम कर अभी दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे अगर चंक्स नहीं होंगे ना तो ज्यादा इजी होगा खाना सीरियसली आपको बड़ा पता है पता नहीं मेरे मुंह में चंक्स आए थे मैंने रुका तो मैं चला गई थी अगर पूरा मैश किया था तो ये देखो सच्चा प्यार तेरा प्यार 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 नहीं ये नहीं हो सकता यहीं पे रह रहा है एंड शागी यहाँ पे रह रहा है चैलेंज पूरा हो गया कल सुबह पता चलेगा वॉशरूम में क्या हाल होता है Good night, guys. Hey guys, so the video is done and aapne challenge dekha. I hope you liked it. And Amar is right here. He stayed over and abhi wo nikalne wala hai ghar ke liye. And I'm gonna go drop him. Hey guys, so I walked into the gym this way and jo baithe hote hain counter pe the security guards they saw me and she got a bit scared. But I'm here to conclude the challenge. Challenge khatam ho gaya hai. It's Halloween and aaj sab log dress up hone wale hain. I'm gonna show you a bit around jo logon ne ghar apne set up kiye hain. Beautiful houses and yeah Halloween hone wala is gonna be trick or treating time in a bit and Amar ghar chala gaya challenge is complete Jannat haar gayi thi but we felt bad so you saw what happened so anyway if you like this kind of content please subscribe guys aap bahut time se mujhe dekh rahe hain and do not forget to like the video and comment about whatever you liked in the video I'll see you guys next time thank you for watching bye bye